हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लश्कर शाहपुर में। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं कि रेलवे भर्ती बोर्ड ALPN टेक्नीशियन CNA कॉलेज 2018 RRB पटना से ALP का एडिशनल स्पेशल इंडियन डाइवर्जन पैनल जारी हो चुका है और इसमें जानेंगे कि कितने कैंडिडेट का इसमें वेटिंग क्लियर हुआ है और कितना यहाँ से डिमांड किया गया था। तो चलिए इसको देखेंगे। इससे पहले चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि वेटिंग से रिलेटेड हर तरह की अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहे। तो चलिए देखते हैं पैनल को। तो आप देखिए रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड पटना और यहाँ पर लिस्ट रोल नंबर 49 वेट लिस्टेड स्टैंड बाय ALP कैंडिडेट कैटेगरी 1 और 2 CNA कॉलेज 2018 ऑफ RRB पटना प्रोविजनली रिकमेंडेड और टू साउथ ईस्टर्न रेलवे। साउथ ईस्टर्न रेलवे को यहाँ से डाइवर्ट किया गया है। और यहाँ पर देखिए इन टर्म्स ऑफ रेलवे बोर्ड्स लेटर नंबर इतना इतना डेट इतना डेटेड 17/6/2022 एंड डिमांड ऑफ स्पेशल इंडेंट फिलिंग अप एडिशनल वैकेंसी वाइड साउथ ईस्टर्न रेलवे। और यहाँ पर लेटर नंबर इतना डिमांड फॉर पटना स्पेशल इंडेंट यहाँ पर किया गया है, इसको डाइवर्ट सारी बातें यहाँ पर दी गई हैं। 17/6/2022 ऑफ फ्लोइंग 49 वेट लिस्टेड कैंडिडेट और रोल नंबर यहाँ पर दिया, ये सब सारी बातें यहाँ पर दी गई ALP कैटेगरी 1 और 2 और इसके साउथ ईस्टर्न रेलवे के अंदर टेकिंग यानी और यहाँ सारी प्रक्रिया यहाँ पर जो मेडिकल की प्रक्रिया है आगे जो चलेगी वो साउथ ईस्टर्न रेलवे के यहाँ पर अंडरटेकिंग में यहाँ पर किया जाएगा। और यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर पॉइंट में है कि वेर तो यहाँ पर 49 कैंडिडेट जो है अगेंस्ट डिमांड स्पेशल इंडेंट साउथ ईस्टर्न रेलवे रिसीव्ड यहाँ पर रिसीव किया गया है साउथ ईस्टर्न रेलवे के द्वारा। और यहाँ पर तीसरा नंबर पॉइंट में द रोल नंबर ऑफ द प्रोविजनली रिकमेंडेड कैंडिडेट आर अगेंस्ट अरेंज्ड हॉरिजॉन्टल इन असेंडिंग ऑर्डर, यहाँ पर क्षैतिज में दिया गया है और यहाँ पर बढ़ते यानी क्रम में यहाँ पर दिया गया है, सॉरी घटते क्रम में यहाँ पर दिया गया है असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में यहाँ पर दिया गया है रोल नंबर। यहाँ पर आप देख लीजिए और सभी कैंडिडेट अपना अपना मिला लीजिए तो टोटल देख लीजिए यहाँ पर ALP का जो है कैटेगरी नंबर 1 से यहाँ पर टोटल 47 कैंडिडेट का इसमें वेटिंग क्लियर हुआ है। टोटल इसमें 47 कैंडिडेट का इसमें टोटल वेटिंग क्लियर हुआ है कैटेगरी 1 से इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से, जिसमें कि UR का 24 है, OBC का 23 कैंडिडेट है और असिस्टेंट लोको पायलट कैटेगरी नंबर 2 यानी मैकेनिकल डिपार्टमेंट में इसमें 2 कैंडिडेट का वेटिंग क्लियर हुआ है, दोनों इसमें UR का ही है। टोटल यहाँ पर देख लीजिए 49 कैंडिडेट जिसमें कि UR 26 है और OBC 23 कैंडिडेट हैं। तो इन सभी 49 कैंडिडेट को बधाई हो पैनल में नाम आने के लिए और इसमें देखें कितने डिमांड इसमें किया गया था, उन सारी बातों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए डिमांड को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर डिमांड देखिए आप पटना में डिमांड देख लीजिए टोटल यहाँ पर ये देख लीजिए पटना और यहाँ टोटल 47 कैंडिडेट यहाँ पर डिमांड हुआ था और वहाँ पर दिया है पैनल कितना 49 कैंडिडेट का इसमें दिया गया है। तो 2 कैंडिडेट का एक्स्ट्रा यहाँ पर पैनल दिया गया है तो आप देख लिए। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें सारी प्रक्रिया इसमें जो होगी मेडिकल की प्रक्रियाएँ वो सारी बातें यहाँ पर दी गई हैं। ये साउथ ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत इसका अंडरटेकिंग में इसका सारी प्रक्रिया यहाँ पर कर किया जाएगा और यहाँ पर कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेगुलरली विजिट और RRB ऑफिशियल वेबसाइट यानी ऑफिशियल वेबसाइट को आप विजिट करते रहिए, सारी प्रक्रिया यहाँ पर कराई जाएगी। तो हम सभी को एक बार फिर से बधाई हो ALP भाइयों को 49 कैंडिडेट को पैनल में नाम आने के लिए। और आगे की प्रक्रिया जो टेक्नीशियन की चल रही है उसमें सारी बोर्ड के डाटा लगभग लगभग पहुंच गया है और देखिए कब तक खुशखबरी आते हैं टेक्नीशियन की, जब आएगी तो ज़रूर हम आप तक अपडेट पहुंचाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।